तो दोस्तों थोड़ी ही देर में ये मैच शुरू होगा, हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट का, क्योंकि अभी जो मैच चल रहा है वो चल रहा है जयपुर किंग पैंथर और तेलुगु टाइटंस का, जहां पर तेलुगु टाइटन बहुत ही ज़बरदस्त पीछे चलती हुई और जयपुर किंग पैंथर आगे हैं। और अगर आप देखें अभी तक तो 30 पॉइंट से आगे है, इस समय 28 पॉइंट से आगे है इसमें जयपुर किंग पैंथर, और अभी भी 1 मिनट 15 सेकेंड का वक्त है। तो 1 मिनट 15 सेकेंड में यहाँ से लगता नहीं है कि इतने ज़्यादा स्कोर कर पाएगी। तो वेल डन, बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत हुई है आज जयपुर किंग पैंथर की। और थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे हरियाणा स्टीलर्स और तो तेलुगु टाइटन का कमबैक। यहाँ मुश्किल लग रहा है, सुपर टैकल का मौका है यहाँ पर, क्या सुपर टैकल कर पाते हैं? नहीं, लेकिन नहीं, तो अंतिम 1 मिनट का खेल बाकी, देखना होगा अंतिम 1 मिनट में क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या जयपुर पिंक पैंथर ऑल आउट होगी? मात्र 2 खिलाड़ी बचे हैं जयपुर पिंक पैंथर के, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा जयपुर पिंक पैंथर। अगर आज जयपुर पिंक पैंथर जीत जाती है तो नंबर 1 पर जब चली जाएगी, दिल्ली नंबर 2 पर रह जाएगी, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, 27-28 अंकों का मार्जिन है दिल्ली और तेलुगु टाइटन के बीच में। और आप यहाँ पर रेड करने के लिए आए हैं आदर्श टी, जो कि पहली बार आज खेल रहे हैं। तो यहाँ ऑल आउट के करीब है जयपुर पिंक पैंथर। जी हाँ, ऑल आउट होती हुई, तो अंतिम 20 सेकेंड में जयपुर ऑल आउट, और 4 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर ऑल आउट के। सत्ताईस 50 ये है स्कोर अभी तक का, और अंतिम रेड है ये अर्जुन देशवाल की। तो इसी के साथ यहां पर ये रेड समाप्त हुई, जयपुर पिंक पैंथर ये मुकाबला जीतते हुए। और अगला जो मुकाबला है वो होना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों मुकाबला समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो मुकाबला है वो है हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स। देखना होगा ये दोनों ही किस तरह से खेलती है आज, और जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जयपुर पिंक पैंथर ने आज। 51-27 का मार्जिन, बहुत ही बड़ा मार्जिन है। और अब आपके सामने हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स। देखना होगा हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट। जयपुर पिंक पैंथर
यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट हो जाता है तो दिल्ली नंबर 1 से नंबर 2 पर आ जाएगी लेटेस्ट अपडेट का। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो चुका है और दिल्ली नंबर 2 पर आ चुकी है। जयपुर पिंक पैंथर लगातार 5 मुकाबले जीते, पहला मुकाबला हारा था, उसके बाद सभी मुकाबले जीते हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर कही जाएगी। जयपुर तो 6 मुकाबले खेले हैं अभी तक जयपुर पिंक पैंथर ने, जिसमें से 5 जीते हैं और 1 हारा है। दिल्ली का भी यही हाल है, 6 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं और 1 हारा है। अगला जो मैच है वो है गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स। तो यहाँ पर आपको 2 दिग्गज, एक पुराने कोच है और नए कोच राम मेहर सिंह, और अब वो गुजरात जायंट्स के कोच है राम मेहर सिंह, जो पहले कोच थे मनप्रीत सिंह गुजरात जायंट्स के, वो आ चुके हैं अब हरियाणा स्टीलर्स में। तो थोड़ी ही देर में ये मुकाबला होगा शुरू। तो आज जो भी टीम यहां जीतती है वो पहुंचेगी, आप यहां पर देखिए गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स। अगर हम बात करें तो हरियाणा स्टीलर्स 9वें नंबर पर, गुजरात जायंट्स 7th प्लेस पर। तो यहां पर अगर 14 और 5 19 मार्क्स होंगे, जो भी टीम जीतती है वो पहुंच जाएगी 5वें नंबर पर, और अगर हरियाणा स्टीलर जीतती है तो 18 अंकों के साथ 5वें नंबर पर पहुंचेगी। तो अब एक बार नज़र डालते हैं, फिर थोड़ी ही देर में ये और एक बार नज़र डालते हैं, आपको बताते हैं किस तरह की टीम रहेगी। राकेश रेडर रहेंगे हरियाणा स्टीलर्स के, सॉरी गुजरात जायंट्स के। सौरभ गुलिया डिफेंडर रहेंगे, अक्रम शेख डिफेंडर रहेंगे लेफ्ट कवर पे, चंद्ररंजीत रेडर रहेंगे राइट इन पे, और प्रशांत कुमार राय ये रहेंगे आपके रेडर लेफ्ट इन पे। राइट इस पे शंकर गदई रहेंगे राइट कॉर्नर पे, रिंकू नरवाल रहेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। तो देखना होगा आज किस तरह से खेलते हैं इनकी टीम, बहुत ही शानदार टीम है। और दूसरी टीम है हरियाणा स्टीलर्स, जिसमें मंजीत, कल इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन क्या आज अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं। और ये खेल है, इसमें कोई भी टीम कभी भी वापसी कर सकती है। जैसे हमने कल देखा पटना पायरेट्स, जबरदस्त वापसी की पटना पायरेट्स ने और नंबर 1 टीम को हराया दिल्ली को। और आपका क्या मानना है, कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है? क्या यहाँ पर जीत पाएगी हरियाणा स्टीलर्स या फिर गुजरात जायंट्स? मात्र 2 मिनटों में यह मुकाबला शुरू हो जाएगा और गुजरात जायंट ने यहाँ पर टॉस जीता है और पहले कोर्ट चूज किया है। तो सर्विस होनी है पहले, रेड होनी है पहले हरियाणा स्टीलर्स की। तो हरियाणा स्टीलर्स की ओर से मंजीत, देखना होगा आज किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। कल उनका परफॉर्मेंस उतना साफ नहीं, अच्छा नहीं रहा था, और जिसका रिजल्ट उन्हें मिला, कल हार मिली उनको। जी हाँ, तो यहाँ पर मैच शुरू होने को बाकी। तो कोच मनप्रीत सिंह और राम मेहर सिंह, और मनप्रीत सिंह और राम मेहर सिंह दोनों ही जबरदस्त कोच। मनप्रीत सिंह बहुत ही अग्रेसिव माने जाते हैं और
राम विहर सिंह बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। उनके बिहेवियर से आपको दिखेगा बहुत ही काम है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी इनकी रहती है। वहीं मनप्रीत सिंह, वो बिहेवियर में भी एग्रेसिव और स्ट्रेटेजी में उनकी एग्रेसिव रहती है। जी हाँ, यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होती हुई और ये मैच शुरू होने वाला है अब, हरियाणा स्टीलर वर्सेस गुजरात जायंट्स। तो पहली रेड होनी है हरियाणा स्टीलर्स की। मंजीत क्या ये रेड करेंगे या नहीं, राकेश और मंजीत के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ, मंजीत आए हैं पहली रेड करने के लिए। देखना होगा मंजीत अब क्या कमाल करते हैं यहाँ। जी हाँ, आप देखिए मंजीत, ये मैच हो चुका है शुरू। तो बोनस यहां पर लिया है और चंद्रन रंजीत आए हैं अब रेड करने के लिए। चंद्रन रंजीत काफी अच्छे खिलाड़ी, और यहां पर पॉइंट लगा, किसे आउट किया है, जयदीप को, और वन ऑल, जयदीप को जाना होगा बाहर। तो दोनों की टीमों का एक एक पॉइंट हो चुका है अब। वन ऑल, और अब एक बार मितु महेंद्र रेड करने के लिए आए हैं। तो क्या यहां पर पॉइंट ले पाएंगे मितु महेंद्र, कोशिश करनी होगी पॉइंट लेने की। स्कोर अभी भी वन ऑल, और यहां पर चंद्रन रंजीत जबरदस्त टैकल किया है यहां पर, और देखना होगा कि किसने ये टैकल किया है। बहुत ही शानदार पुश किया, डैश किया बाहर की तरफ, और पॉइंट मिलता हुआ एक एक्स्ट्रा। तो रोहित ने यहां पर डैश किया चंद्रन रंजीत को, और पॉइंट ले गया अपनी टीम के लिए। 2-1 का स्कोर हरियाणा स्टीलर 2 पर, और 1 पर है गुजरात जायंट्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्कोर। और एक बार फिर मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। 7 के 7 खिलाड़ी है गुजरात जायंट्स के। मंजीत वापस गए बिना किसी पॉइंट्स के, और राकेश पहली रेड करेंगे आज की अपनी। बहुत ही अच्छा सीजन रहा इनका, राकेश का, और यहाँ पर जबरदस्त, बहुत ही शानदार टैकल, बहुत ही एग्रेसिव टैकल, और यहाँ पर क्रमशेख की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से बहुत ही शानदार जबरदस्त। आमिर हुसैन बहुत ही शानदार, और डू एंड डाई रेड में है मितु महेंद्र, और आउट हो चुके हैं। जबरदस्त टैकल किया है इन्हें, बाहर पुश किया है एक बार, शानदार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ। एक बार फिर रेड करने के लिए आए हैं, क्या पॉइंट यहां पर मिले, लॉबी में जरूर गए हैं। जी हां, नितिन रावल को टच आउट किया प्रपंजन ने, सॉरी राकेश ने। 3 ऑल रेट करने के लिए यहां पर, प्रपंजन के, प्रपंजन शानदार खिलाड़ी है ये। तो आप यहां पर पॉइंट देख सकते हैं, अभी तक मंजीत का 1 पॉइंट है, मोहित नंदल के 2 पॉइंट है। थ्री ऑल,
एक बार फिर मंजीत रेड करते हुए। मंजीत पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, देखना होगा अभी क्या कर पाते हैं इस रेड में। काफ़ी अच्छी रेड कर रहे हैं अभी तक, दोनों ही टीमें अच्छा खेली है और ज़्यादा अटैक कर रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। और वापस गए मंजीत और चंद्रन रंजीत रेड करते हुए, देखना होगा चंद्रन रंजीत क्या करते हैं। इस पिछले सीजन में, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खेले थे, 21 पॉइंट ले गए थे, बहुत ही शानदार मैच रहा था उनका ये। तो क्या यहाँ भी इस तरह का कुछ देखने को मिलता है, ये देखना होगा। यूपी योद्धा के विरुद्ध मैच था और मंजीत है इस समय डू एंड डाई में, और जबरदस्त टैकल यहां पर, बहुत ही शानदार टैकल किया है और एक पॉइंट मिलता हुआ 4-3 का स्कोर, बहुत ही शानदार। एक बार फिर राकेश 4 के डिफेंड में, क्या आमिर हुसैन यहां पर अपना कमाल दिखा पाएंगे? जी हाँ, टच आउट कर गए हैं और ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट है क्या है? लेकिन एक ही पॉइंट दिया है, क्या यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है राकेश की ओर से और गुजरात जायंट्स की ओर से? क्या के प्रपंजन और आमिर हुसैन दोनों ही आउट है? आमिर हुसैन स्टेप आउट कर गए और राकेश यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने के प्रपंजन को भी आउट किया है। क्या एम्पायर यहां पर अपना डिसीजन चेंज करते हैं या नहीं? जी हां, 2 पॉइंट मिलते हुए 6-3 का स्कोर, 2 पॉइंट मिलेंगे, गुजरात जायंट्स आगे निकल चुकी है 3 पॉइंट से, 3-6। बहुत ही शानदार आगाज हुआ है इस मैच का और एक बार फिर एक और बोनस पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर्स को, पॉइंट हो चुका है 4-6। सुशील एक बार फिर राकेश आए हैं रेड करने के लिए, 4-6 का स्कोर है और सुपर टैकल ऑन, और ये पहला सुपर टैकल हमें देखने को मिला यहां पर। जयदीप ने यहां पर पहला सुपर टैकल किया और मैच के 8वें मिनट में ये सुपर टैकल देखने को मिला। राकेश का सुपर टैकल, एंकल होल्ड बहुत ही जबरदस्त और बैकअप दिया पूरा यहाँ पर मोहित ने। मोहितो महेंद्र रेड करते हुए 6 का डिफेंस है, ज्यादा कोशिश नहीं हो रही है, पॉइंट अभी तक हो चुके हैं 6 ऑल। मोहितो महेंद्र वापस गए, चंद्रन रंजीत आए हैं रेड करने के लिए, सुपर टैकल ऑन। तो चंद्रन रंजीत क्या इस बार सुपर टैकल होते हैं या पॉइंट निकाल कर लाते हैं? तो यहाँ पर ज़्यादा चांस नहीं लेंगे, राइट कॉर्नर की तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए चंद्रन रंजीत, और लेफ्ट कॉर्नर पे हैं जयदीप, राइट कॉर्नर पे हैं मोहित और मीतू महेंद्र, 3 खिलाड़ी है गुजरात हरियाणा स्टीलर्स के, गुजरात जायंट्स के 6 खिलाड़ी इस समय। मीतू महेंद्र काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, आमिर हुसैन क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है इनकी, पहले राकेश को यहाँ पर टैकल किया इन्होंने और अब मीतू महेंद्र को, राकेश का सर्वाइवल हो चुका है। स-
सुपर टैकल ऑन, और हरियाणा के मात्र दो खिलाड़ी है जयदीप और मोहित। तो क्या एक और सुपर टैकल हम देख सकते हैं यहां पर? जयदीप मोहित स्टेप आउट हो गए और जयदीप अंदर थे, और पहला लॉन लगता हुआ ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स। तो 4 पॉइंट ही मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, 6-11। गुजरात काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई यहां पर अभी तक, अच्छी स्ट्रेटेजी। और एक और पॉइंट चंद्रा रंजीत को मिलता हुआ, 7-12 का स्कोर। यहां पर नितिन रावल जबरदस्त टच, बहुत ही शानदार। मीतू शर्मा आए हैं रेड करने के लिए। अब सात का डिफेंस है मीतू शर्मा के लिए, सारी पूरी की पूरी टीम है गुजरात जाइंट्स की। यहाँ पर एक बार फिर से प्रयास किया है टैकल करने का, लेकिन चूके एक और पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर्स को। मीतू शर्मा ने एक पॉइंट दिलाया, 8-12 का स्कोर। अक्रम शेख इस समय कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही एडवांस टैकल था और वही हुआ जो होना चाहिए, पॉइंट मिला है हरियाणा स्टीलर्स को। और राकेश रेड करते हुए अब, और वापस जाएंगे राकेश। क्या बोनस है या नहीं? जी नहीं। और अब के प्रपंजन रेड करते हुए, काफी अच्छे खिलाड़ी और जबरदस्त टैकल, बहुत ही शानदार टैकल, जबरदस्त एंकल होल्ड, बहुत ही शानदार। और प्रपंजन को जाना होगा बाहर। एक और पॉइंट गुजरात जाइंट्स को। सौरभ गुलिया शानदार टैकल, सौरभ गुलिया ने ये टैकल किया है बहुत ही शानदार। और अब एक बार फिर रेड करने के लिए आए हैं चंद्रन रंजीत, और यहां पर जबरदस्त टैकल चंद्रन रंजीत का, जयदीप की तरफ से ये टैकल हुआ है, रेडर आउट। एक और पॉइंट गुजरात जाइंट्स को, 14-8 सॉरी ये पॉइंट मिला है हरियाणा स्टीलर्स को, 9-13। जयदीप ने बहुत ही शानदार तरीके से एंकल होल्ड किया और बैकअप साथी खिलाड़ियों का मिला। एक बार फिर मीतू महेंद्र रेड करते हुए, मीतू शर्मा देखना होगा क्या कमाल करते हैं, 9-13 का स्कोर है इस समय। 6 का डिफेंस, जी हाँ, टच, एक खिलाड़ी को टच आउट किया है, रनिंग हैंड टच, देखना होगा वो खिलाड़ी कौन है। एक और पॉइंट मिलता हुआ, और राकेश रेड करते हुए, राकेश के पूरा डिफेंस है हरियाणा स्टीलर का, 7 का डिफेंस। और क्या 2 है या 3 पॉइंट है ये? लेकिन एक ही पॉइंट है, कोई बोनस नहीं दिया गया है। गुजरात जाइंट को एक पॉइंट मिलता हुआ, तो 14-10। मीतू शर्मा रेड करने के लिए आए हैं, 6 का डिफेंस है गुजरात जाइंट्स का, बोनस ऑन। और पॉइंट लेकर गए यहां पर, क्लेम कर रहे हैं, क्या एम्पायर क्या सोचते हैं, क्या पॉइंट दिया जाता है या नहीं? नहीं। और राकेश अब रेड करने के लिए आए और वापस गए। गुजरात के खाते में एक
ग्यारह बारह का स्कोर है, 11-14 का स्कोर है, और अब राकेश अगर आप देखें गुजरात जायंट्स की तरफ से अगर किसी का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन में तो वो है राकेश, और वापस गए राकेश, एम्प्टी रेड हुई है उनकी। और एक बार फिर मीतू शर्मा यहां पर राकेश को टो टच किया है। जी हाँ, राकेश को जाना होगा बाहर। एक और पॉइंट मिलता है हरियाणा स्टीलर को, 12-14, धीरे धीरे करीब आती हुई, 12-14। मीतू शर्मा ने राकेश को आउट किया और अब आए हैं चंद्रन रंजीत रेड करने के लिए, कप्तान टीम के। और देखना होगा एक है या दो पॉइंट है ये, क्या रिव्यू के लिए जाते हैं। दो पॉइंट मिले हैं, दो पॉइंट, 16-12 का स्कोर। नितिन रावल नजदीक पहुंचे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और के प्रपंजन एक बार फिर पर जाना होगा बाहर एक खिलाड़ी को, एक पॉइंट और मिलता हुआ, 13-16 का स्कोर। अकरम शेख को जाना होगा बाहर, और अब रंगा चंद्रन रंजीत रेड करते हुए, 6 का डिफेंस, और पीठ यहां पर दिखाई और जबरदस्त टैकल हुआ है जयदीप के द्वारा। एक और पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर्स को, 14-16 का स्कोर। तो चौथा टैकल होगा जयदीप का ये, जी हाँ जयदीप को मिलेगा। 4 टैकल पॉइंट हो चुके हैं इनके शानदार परफॉर्मेंस अभी तक। मीतू शर्मा एक बार फिर से रेड करते हुए, तो बोनस नहीं है यहां नीतू शर्मा के लिए, और वापस आना होगा बिना किसी पॉइंट के। 14-16 का स्कोर अभी भी। और अब राकेश एक बार फिर रेड करते हुए, तो बोनस ऑन है इनके लिए, तो क्या बोनस ले पाएंगे या नहीं। लेफ्ट कॉर्नर पे नितिन रावल है, उनकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन नहीं बोनस नहीं मिला है, एम्प्टी रेड रही है, वापस गए हैं। देखना होगा कि हरियाणा स्टीलर्स की ओर से अब किसे दिया जाता है रेड। मंजीत, काफी समय बाद मंजीत आए हैं, तो यहां पर क्या ये सुपर रेड होगी पहली आज की। दो पॉइंट दिए गए हैं, सुपर रेड नहीं है, क्या इसको चैलेंज किया जाता है, देखना होगा। 16-all, 16-16। शानदार कमबैक किया मंजीत ने, दो पॉइंट ले आए, 16-all, दोनों ही टीमें 16-16 पर है। और एक बार फिर रेड होती हुई यहां गुजरात जायंट्स की ओर से, और जर्सी पुलिंग यहां हुई है। प्रशांत राय रेड करने के लिए आए, जयदीप के द्वारा हल्की सी जर्सी पुल हुई है, तो एक पॉइंट आगे जाता हुआ, 17-16 सुपर टैकल ऑन हरियाणा स्टीलर्स। जयदीप एक बार फिर रेड करते हुए, और शंकर गदई यहां पर गुजरात जायंट ऑल आउट,
नीतू ने जबरदस्त रेड की और दोनों खिलाड़ियों को आउट किया। 21-16 का स्कोर, बहुत ही शानदार। शंकर गदई ने कोशिश की और वहां पर एक बार टैकल किया, लेकिन छिरे से उनका ये छोड़ दिया, पैर छोड़ दिया, और उसका रिजल्ट देखना मिला कि ऑल आउट। शंकर गदई और संदीप कंडोला दोनों ही बाहर गए और ऑल आउट होता हुआ 21-16 का स्कोर, और रेड पर आए हैं चंद्र रंजीत। और ये अंतिम रेड होगी फर्स्ट हाफ की, और जबरदस्त टैकल। तो क्या जयदीप का सुपर हाई फाइव कंप्लीट हो चुका है या नहीं? हाफ टाइम कोर्ट हो चुका है चेंज। हरियाणा स्टीलर्स जबरदस्त परफॉर्मेंस और वापसी करती हुई टीम में मैच में। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो भी स्कोर है, मंजीत के 4 पॉइंट है, मोहित नंदल के 1 पॉइंट है, जयदीप का हाई फाइव कंप्लीट हो चुका है, और मीतू शर्मा के 6 पॉइंट है, के प्रपंजन का 1 पॉइंट है, आमिर हुसैन का 1 पॉइंट है, और नितिन रावल का अभी तक खाता नहीं खुला है आज। राकेश के 4 पॉइंट है, सौरभ गुलिया 3 पॉइंट, अकरम शेख का खाता नहीं खुला है, चंद्रन रंजीत के 4 पॉइंट है, प्रशांत कुमार राय इनका 1 पॉइंट है, शंकर गदई खाता नहीं खुला है, और रिंकू नरवाल का 1 पॉइंट है। तो अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस तरह से इनका ये टीम स्टेट्स रहा है। ये आप देखिए 21 पॉइंट है हरियाणा स्टीलर्स के, और गुजरात जायंट्स के है 16 पॉइंट। हरियाणा स्टीलर्स की पहले बात करते हैं, टोटल रेड इन्होंने की है 12, जिसमें से 7 सक्सेसफुल रही है, और 7 टैकल पॉइंट लिए बहुत ही ज़बरदस्त, और ऑल आउट के पॉइंट 2 मिले हैं इन्हें। और दूसरी बात करते हैं गुजरात जायंट्स की, टोटल रेड टोटल पॉइंट है इनके 16, रेड इन्होंने की है 9, और टैकल पॉइंट है 4, ऑल आउट के पॉइंट है 2, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ देखते हैं। टोटल रेड की है 20 गुजरात जायंट्स ने, जिसमें से 10 सक्सेसफुल रेट है, और सुपर रेट एक भी नहीं हुई अभी तक। और रेट सक्सेस रेट है 50% और स्ट्राइक रेट है 60%, लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल स्ट्रीक है 6 की। दूसरी तरफ बात करें अगर हम गुजरात जायंट्स की, तो 20 रेट की है इन्होंने, 7 सक्सेसफुल रेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हरियाणा स्टीलर की 10 सक्सेसफुल रेट आई है, गुजरात जायंट की मात्र 7, और सुपर रेट नहीं हुई है। सक्सेस रेट आप देखिए तो 35% है और स्ट्राइक रेट है 45%, और दूसरी तरफ अगर हरियाणा का स्ट्राइक रेट देखें तो इनका स्ट्राइक रेट है 40%। तो यहां आपको 15% का नज़र गैप नज़र आता है। तो यही जो आप देख रहे हैं स्कोर में, 16-20 का जो स्कोर है, और लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल स्ट्राइक है 2। और अब टैकल यहाँ देखिए 16 बार प्रयास किया है हरियाणा स्टीलर्स ने, जिसमें 7 बार कामयाबी मिली है और 1 बार सुपर टैकल हुआ है, और सक्सेस रेट है 43%। गुजरात जायंट्स 12 बार टैकल करने का प्रयास किया है, 4 बार सक्सेसफुल रहे हैं, सुपर टैकल इन्होंने नहीं किया है, और 33% इनका सक्सेस रेट है। तो यहां पर अगर देखें तो 10% का अंतर सक्सेस रेट में, 10% टैकल सक्सेस रेट ज़्यादा है हरियाणा स्टीलर्स का, जिसका हमें देखने को मिलता है ओवरऑल रिजल्ट में। तो 16-22 का स्कोर। तो रेड पॉइंट में अब देखिए हरियाणा स्टीलर्स 12 और गुजरात जायंट्स के हैं 9, टैकल पॉइंट में भी हरियाणा स्टीलर्स के 8 है और गुजरात जायंट्स का 4। तो ये आप देखिए ऑलमोस्ट डबल है यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स का, डिफेंस जबरदस्त काम किया है। और हाफ टाइम है यहाँ पर, अगले 20 मिनट में देखना होगा क्या कमाल करती है दोनों ही टीमें। तो अभी तक जो पोल है उसमें सभी लोग कह रहे हैं कि गुजरात जायंट ये मुकाबला हारने वाली है और हरियाणा स्टीलर जीतने वाली है। तो देखना होगा कि क्या ये सही प्रेडिक्शन है या गलत है।
नमस्कार। तो अब एक बार फिर से मैं शुरू होने की कगार पर। छह अंकों का डिफरेंस है हरियाणा स्टीलर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में। छह अंकों से लीड करती हुई इस समय हरियाणा स्टीलर्स, तो क्या ये लीड बरकरार रख पाती है या फिर गुजरात जायंट वापसी करती है, तो कुछ वक्त में हमें पता लगेगा। अगले 20 मिनट बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। अगले 20 मिनटों में ये लीड कम करनी होगी। तो 22-16 का स्कोर है इस समय, 6 अंकों से आगे हैं। बाईस सोलह और अब एम्पायर, दोनों ही एम्पायर पहुंच चुके हैं कोर्ट में, तो दोनों ही टीमें एक एक बार ऑल आउट हो चुकी है। तो आज मनजीत का चलना बहुत ही जरूरी। मीतू शर्मा शानदार परफॉर्मेंस दी है अभी तक हरियाणा स्टीलर्स की ओर से, और गुजरात जायंट्स की ओर से इस तरह का परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिला है। राकेश नहीं चल पा रहे हैं आज। जी हाँ, एम्पायर और राकेश यहाँ तैयार खड़े रेड करने के लिए, और रेड हो चुकी है स्टार्ट। राकेश रेड करते हुए यहाँ पर, और एडवांस टैकल करने की कोशिश, इसका फायदा मिला है गुजरात जायंट्स को, एक और पॉइंट मिलता हुआ। 17-22 मीतू शर्माए हैं रेड करने के लिए हरियाणा स्टीलर्स की ओर से। 7 का डिफेंस है यहाँ गुजरात जायंट्स का, और मीतू शर्मा बोनस लेने का प्रयास करते हुए। तो 5 रेड की है, पिछली 5 पॉइंट मिले हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकी। जी हाँ, बोनस जरूर मिला है, 23-17 का स्कोर, और राकेश एक बार फिर रेड करते हुए। 6 खिलाड़ी है, बोनस जरूर रहेगा, अगर बोनस ले पाते हैं तो एक और पॉइंट मिलेगा हरियाणा को। क्या यहाँ पर 2 है या 3 पॉइंट है, क्या बोनस है या नहीं, एक बार वेट करना होगा। ये तो है कि मल्टी पॉइंट रेड है, लेकिन 2 है या 3 है ये देखना होगा। चारों ही एम्पायर आपस में बात करते हुए। तो बोनस, यार कि बोनस है या नहीं ये देखना होगा। अगर बोनस है तो मे बी 2 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, अन्यथा ये सुपर रेड होगी पहली इस मुकाबले की। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट मिले हैं, तो क्या रिव्यू के लिए जाएंगे यहाँ पर गुजरात जायंट्स, नहीं। तो 19-23 और मीतू शर्मा एक बार फिर से रेड करते हुए। तो राकेश के 7 पॉइंट हो चुके हैं, अब देखना होगा मीतू शर्मा
रेड करेंगे। अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मीतू शर्मा का, 7 पॉइंट हो चुके हैं इनके, बोनस ऑन है इनके लिए। तो जोगिंदर नरवाल आए हैं के प्रपंचन की जगह में, बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है जोगिंदर नरवाल, के प्रपंचन की जगह में आए हैं, सब्स्टिट्यूट किया गया है इन्हें, बहुत ही शानदार खिलाड़ी। तो स्कोर है 19-23, 4 अंकों से आगे चलती हुई हरियाणा स्टीलर्स। राकेश आए हैं रेड करने के लिए, HS राकेश, हाईली स्किल्ड राकेश, और 1 पॉइंट फिर ले गए राकेश। जी हाँ, 1 पॉइंट मिलता हुआ और मीतू शर्मा का शिकार किया है, मीतू शर्मा को जाना होगा बाहर। तो 20-23 एडवांस टैकल, एम्पायर आपस में बात करते हुए, क्या ये 2 पॉइंट होंगे या एक ही पॉइंट मिलेगा, देखना होगा। जी नहीं, एक ही पॉइंट मिला है। तो 20-23 मंजीत रेड करते हुए अब, तो आज काफी ज्यादा रेड नहीं की है मंजीत ने, 6 का डिफेंस है मंजीत, 7 का डिफेंस है मनीष के लिए। और बोनस ऑन है, जी हाँ, शिकार किया है यहाँ पर मंजीत ने, और सौरभ गुलिया को जाना होगा बाहर। एक और पॉइंट, 24-20 का स्कोर, और राकेश एक बार फिर से रेड करने के लिए आए, 4 का डिफेंस है इनके लिए, और फिर वही गलती की है मंजीत ने, एडवांस टैकल, और 1 पॉइंट मिलता हुआ गुजरात जायंट्स को, 21-24 का स्कोर। यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स अननेसेसरी गलतियाँ करते हुए, अगर ऐसा ही रहा तो फिर ऑल आउट की तरफ जाएगी। एक बार फिर जोगिंदर नरवाल रेड करते हुए, काफी सीनियर खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर के स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता है, और मे बी शायद इनको इसीलिए भेजा गया है कि आप स्टेबिलिटी रखिए अंदर जाके, यंगस्टर्स काफी ज्यादा थे आज टीम में। जी हाँ, और राकेश 9 पॉइंट है इनके, क्या सुपर 10 हो पाती, और सुपर टैकल ऑन है इस समय। जोगिंदर नरवाल, जयदीप, 3 खिलाड़ी है, और मोहित, ये 3 खिलाड़ी है हरियाणा स्टीलर्स के अभी। तो सब्स्टिट्यूट पर हुआ है, गुजरात जायंट्स की ओर से सब्स्टिट्यूट हुआ है, और अब रेड करते हुए, हरियाणा स्टीलर्स की ओर से रेड। तो बोनस ऑन रहेगा, क्या यहां पर बोनस ले पाएंगे या नहीं, उसके बाद होगी डू एंड डाई रेड। जबरदस्त टैकल, बहुत ही शानदार टैकल, सुशील को जाना होगा बाहर। 1 और पॉइंट मिलता हुआ गुजरात जायंट्स को, 22-24। तो ये मुकाबला बहुत ही क्रूशियल मुकाबला होने वाला है, जिस तरह से लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला। राकेश सुपर टैकल में, 2 ही खिलाड़ी है जोगिंदर नरवाल और सौरभ, सॉरी मंजीत, जोगिंदर नरवाल और मंजीत, और शिकार किया है जोगिंदर नरवाल का, मंजीत की तरफ से बैकअप नहीं आया, और जोगिंदर नरवाल को जाना होगा बाहर। 1 और पॉइंट, और यहां पर हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट के कगार पर, 1 और ऑल आउट, और प्रदीप राकेश का सुपर 10 हो चुका है कंप्लीट, सुपर 10। तो तारीफ करनी होगी राकेश की, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और
मंजीत रेड करने गए और दबोच लिया गया पूरी टीम। और 3 पॉइंट मिलेंगे गुजरात जायंट्स को और 1 पॉइंट मिलेगा हरियाणा स्टीलर्स को। तो 25-26 का स्कोर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रहने वाला है। अब 25-26 शानदार वापसी हरियाणा स्टीलर्स की। और अब महेंद्र राजपूत आए हैं हरियाणा स्टीलर, जिस तरह से पहले शानदार वापसी की थी ऐसी ही एक जरूरत है इन्हें वापसी करने की गुजरात जायंट आगे चलती हुई। अब 1 पॉइंट से महेंद्र राजपूत, इनको सब्स्टिट्यूट किया गया है रेड करते हुए गुजरात जायंट्स की ओर के। 7 का डिफेंस है इनके लिए, बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी। तो हरियाणा स्टीलर्स की 1 अंक पीछे हैं हरियाणा स्टीलर्स, और महेंद्र राजपूत का शिकार किया, बहुत ही जबरदस्त बोनस पॉइंट लेने का प्रयास कर रहे थे। और 26 ऑल, 26-26, तो जयदीप एक और टैकल, 7 पॉइंट मिलते हुए, 6 या 7 पॉइंट है जयदीप के, बहुत ही शानदार 6 छठा पॉइंट था जयदीप का। ये हाई फाइव लगा चुके हैं। तो रिव्यू लिया गया है गुजरात की ओर से, यहां बोनस कह रहे हैं, तो रिव्यू लिया गया है गुजरात की तरफ से। एम्पायर का फैसला है नो बोनस, मात्र 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन गुजरात ने रिव्यू लिया है कि बोनस पॉइंट है। तो क्या फर्क पड़ता है इस 1 पॉइंट से? तो बोनस नहीं मिलेगा यहां पर। तो पहला लेग लाइन के आगे था, दूसरा लेग पीछे, तो इसीलिए बोनस नहीं दिया गया है, क्योंकि एक पैर आपका हवा में होना चाहिए जब आप बोनस लाइन क्रॉस करते हो। 26 ऑल, महेंद्र राजपूत गए बाहर, मीतू शर्मा तैयार है रेड करने के लिए। दोनों ही टीमें बराबरी पर। मीतू शर्मा आज क्या कमाल कर पाएंगे मीतू शर्मा, ये देखना होगा। 26-26, मीतू शर्मा गए वापस, और अब राकेश आए हैं रेड करने के लिए। अभी भी स्कोर है 26-26, बोनस ऑन राकेश के लिए। तो क्या बोनस ले पाएंगे राकेश? और राकेश जाएंगे वापस। और 2 पॉइंट मिले हैं, क्या स्टेप आउट हुए हैं? जी हाँ, स्टेप आउट हुए हैं, और यहां पर रिव्यू लिया गया है। तो बोनस प्लस 1 पॉइंट, जी हाँ, 1 ही पॉइंट दिया गया है गुजरात जायंट्स को। डिसीजन चेंज हुआ है यहां, 27-26 का स्कोर, और मंजीत आए हैं रेड करने के लिए। और मंजीत ने यहां पर पीठ दिखाई, और कोई गलती नहीं की डिफेंडर ने, और मंजीत का शिकार किया, मंजीत आउट होते हुए। तो रिंकू नरवाल ने बहुत ही शानदार, छब्बीस, राकेश एक बार फिर रेड करते हुए। 5 का डिफेंस है इस समय हरियाणा का। तो क्या गुजरात जायंट को रोक पाएगी हरियाणा स्टीलर्स? 2 पॉइंट के गैप के साथ आगे चलती हुई, 2 पॉइंट की लीड के साथ आगे चलती हुई गुजरात जायंट्स। और वापस गए राकेश। अब मीतू शर्मा या के प्रबंजन आए थे रेड करने के लिए और वापस गए। और इसी के साथ टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 1 मिनट 30 सेकेंड का। तो मनप्रीत सिंह आते हुए काफी गुस्से में, तो क्या बात करते हैं, अब ये देखना होगा क्या टिप्स देते हैं कोचिस। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स प्रयास करेंगे यहाँ पर बोनस लेने की, और जब
आवश्यक हो तो ही पॉइंट ले, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। यही स्ट्रेटजी होगी गुजरात जायंट्स की, ऑलरेडी लीड कर रहे हैं तो 2 पॉइंट से आगे चलती हुई गुजरात जायंट्स। तो अगर देखें मनजीत के 5 पॉइंट हो चुके हैं हरियाणा स्टीलर्स की ओर से, मोहित नंदल के 2 पॉइंट है, जयदीप की हाई फाइव हो चुकी है, मीतू शर्मा के 7 पॉइंट है और के प्रपंजन का 1 पॉइंट है, आमिर हुसैन के 2 पॉइंट है और नितिन रावल का 1 पॉइंट। राकेश की सुपर 10 कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही शानदार, सौरभ गुलिया 4 पॉइंट है इनके, अकरम शेख का 1 पॉइंट है, चंद्र रंजीत के 4 पॉइंट है और प्रशांत कुमार राय का 1 पॉइंट है, शंकर गदई अपना खाता नहीं खोल पाए और रिंकू ने भी बहुत ही ज़बरदस्त टैकल किया था, वेस्ट होल्ड बहुत ही शानदार पीठ दिखाई मनजीत ने और इन्होंने दौड़ लगाते हुए टैकल किया, बहुत ही शानदार 2 पॉइंट लिए टीम के लिए और गुजरात फाइनली 2 पॉइंट की लीड के साथ आगे हैं इस समय। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रहने वाला है ये। बाबा जी मैच तो दिखाओ, दिखा दे भाई साहब, मैच नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं दिखा सकते हैं, हाँ लेकिन आपको स्कोर अपडेट करा सकते हैं जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। तो कल 2 मैचेस होने हैं, बेंगलुरु बुल्स और पटना पायरेट, यूपी योद्धा और तमिल थलाइवा, या पवन सहरावत की वापसी होगी कल, तो ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है कल, प्रदीप नरवाल और पवन सहरावत आमने सामने होंगे। और अब बचे हैं 10 मिनट, 10 मिनटों में हरियाणा स्टीलर्स को ये मैच अपने नाम करना होगा यहाँ से, क्योंकि 2 पॉइंट पीछे है अभी हो और गुजरात जायंट्स करना चाहेगी यहाँ से एटलीस्ट लीड को बरकरार रखा जाए। ओके अल्ताफ हुसैन, अच्छा जी ओके ओके सर हुसैन जी, हम बढ़िया है सर बढ़िया, आप सुनाइए आप लोग कैसे हैं। यहाँ पर मनप्रीत सिंह एडवाइस दे रहे हैं कि आप खुल के खेलो, टेंशन मत लो, मैं पीछे हूँ, उनकी है कि आप जिस जो भी आपका गेम है आप उसे खेलिए, आप टेंशन में मत रहिए। और के प्रपंजन को कह रहे हैं कि आप स्पीड के साथ पॉइंट लेकर आइए। तो कह रहे कि 2 पॉइंट आगे है, कुछ भी नहीं है 2 पॉइंट, आप बिल्कुल फ्री होकर खेलिए। और अब राकेश रेड करते हुए, मैच हो चुका है स्टार्ट, राकेश आए हैं रेड करने के लिए गुजरात जायंट्स की ओर से और 1 पॉइंट, देखना होगा किसे टच किया है ये। तो 1 और पॉइंट मिलेगा गुजरात जायंट्स को, जबरदस्त। तो राकेश ने फिर 1 पॉइंट लिया, स्कोर पहुंच चुका है 29-26। मीतू शर्मा रेड करते हुए अब, तो मीतू से कहा गया है कि आपको रुके रहना है तो इसीलिए वापस गए विदाउट पॉइंट और एक बार फिर राकेश आए हैं रेड करने के लिए 29-26। राकेश रेड करते हुए और लेफ्ट कॉर्नर की तरफ ज़्यादा, जयदीप का गलत प्रयास, प्रपंजन और जयदीप ये दोनों ही जाएंगे बाहर। राकेश को 2 और पॉइंट मिलते हुए जयदीप और प्रपंजन इन दोनों को जाना होगा बाहर। तो 31-26 डू और डाई रेड में मीतू शर्मा एक बार फिर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ पर गुजरात सॉरी हरियाणा स्टीलर्स पर, मीतू शर्मा रेड करते हुए जी, यहाँ बोनस पॉइंट जरूर मिला है और सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल में है इस समय राकेश, नितिन रावल और नितिन रावल का शिकार किया
और नितिन रावल गए बाहर और अंतिम खिलाड़ी है अब कोर्ट पर मीतू शर्मा। तो 32-27 का स्कोर पर 5 पॉइंट से आगे निकल चुकी है गुजरात जायंट्स। एक बार पहले ऐसा लग रहा था कि शायद हरियाणा स्टीलर्स को बचा दिया है यहां पर ऑल आउट, एक बोनस और 1 पॉइंट मिलता हुआ। रिंकू ने गलती की, इस बार डैश करने की कोशिश, रिंकू को जाना होगा बाहर और 2 पॉइंट मिलते हुए तो एक खिलाड़ी अंदर आएगा। तो 29-32 3 पॉइंट की लीड अब रही है और सुपर टैकल ऑन राकेश है। सुपर टैकल में आमिर हुसैन और मेतु, और आमिर हुसैन ने प्रयास किया लेकिन चूके और 1 पॉइंट मिलता हुआ। और एक बार फिर से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ हरियाणा स्टीलर्स पर। अंतिम खिलाड़ी है अब मीतु शर्मा, वो रेड करते हुए बोनस ऑन है, बोनस ले भी लिया है इन्होंने तो, पर कोई गलती नहीं करना चाहेगी गुजरात जायंट्स क्योंकि ऑलरेडी अब ऑल आउट के करीब है। 33-32 का स्कोर, 4 पॉइंट से आगे निकलती हुई गुजरात जायंट्स। और जबरदस्त टैकल, शानदार टैकल, थाई होल्ड और ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स। 3 पॉइंट मिलेंगे गुजरात जायंट्स को और 1 पॉइंट मिलेगा हरियाणा स्टीलर्स को। 30-36 का स्कोर होगा, 30-36। तो यहां पर राम मेहर सिंह साहब की स्ट्रेटेजी काम करती हुई, बहुत ही शानदार कोच है पटना पायरेट्स को, 3 बार विजयी बनाया और आज जबरदस्त वापसी करवाई है गुजरात जायंट्स की, जो पहले पीछे चल रही थी लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की। 30-36 का स्कोर और अब प्लेयर को चेंज किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है, नए खिलाड़ी इनको मौका दिया गया है अब गुजरात जायंट्स की ओर रेड करते हुए। सोनू ये नए खिलाड़ी है, देखना होगा कि क्या कमाल करते हैं सोनू, नए रेडर है। उम्मीद इनसे यही कि बोनस लेकर आए लेकिन वापस गए, वो बोनस नहीं है यहाँ। स्कोर अभी भी 30-36, मीतू शर्मा एक बार फिर से रेड करते हुए बोनस लेने का प्रयास। क्या ये 1 है या 2 पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है लेकिन 1 ही पॉइंट मिला है। जी हाँ, 1 बोनस पॉइंट, 2 पॉइंट मिले हैं। 32-36 का स्कोर और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 32-36। तो ये क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। मैच का भी 5 मिनट बचे हैं, लास्ट के 5 मिनट हैं, देखना होगा लास्ट के 5 मिनटों में क्या कर पाएगी हरियाणा स्टीलर्स, वापसी कर पाएगी या नहीं। तो आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या वापसी हो सकती है या नहीं। आपको क्या लगता है क्या वापसी कर पाएगी हरियाणा स्टीलर्स या नहीं। तो जो हमने YouTube पे यहाँ पर सवाल पूछा था कि कौन सी टीम आज जीतने वाली है, उसमें जो वोट मिले 100% लोग हरियाणा के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता हुआ अभी तक गुजरात आगे चलती है, पहले हरियाणा आगे चल रही थी और अब गुजरात ने ज़बरदस्त वापसी की और 4 पॉइंट की लीड के साथ आगे हैं अभी 36-32। और अगले 5 मिनटों का खेल बाकी है, अगले 5 मिनटों में वापसी करनी होगी हरियाणा स्टीलर्स को। एक बार आप स्कोर देखिए, मंजीत के 5 पॉइंट हैं, अगर हम हरियाणा स्टीलर्स की बात करें मंजीत के 5 पॉइंट हैं, मोहित नंदल के 2 पॉइंट हैं, जयदीप ने हाई फाइव लगाया बहुत ही शानदार, मीतू शर्मा के 13 पॉइंट है, सुपर 10 लगा चुके हैं ये भी, और के प्रपंजन 1 पॉइंट, आमिर हुसैन के 2 पॉइंट है, नितिन रावल का 1 पॉइंट है। दूसरी तरफ बात करें अगर गुजरात जायंट की, राकेश आप देखिए 5 पॉइंट और सौरभ गुलिया भी हाई फाइव लगा चुके हैं बहुत ही शानदार, 5 पॉइंट हैं इनके। अक्रम शेख का 1 पॉइंट, चंद्ररंजीत 4 पॉइंट है, इनको सब्स्टिट्यूट किया गया है, प्रशांत कुमार राय 1 पॉइंट है, इन्हें भी सब्स्टिट्यूट किया गया है, शंकर गदई अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, रिंकू नरवाल के 2 पॉइंट है। तो ये है जो भी प्लेयर आप अपने देख पा रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूट आप देखिए जिनको सब्स्टिट्यूट किया है।
तो यहाँ पर जो सब्सटीट्यूट है सुशील, उन्होंने एक पॉइंट लिया है, और इस तरफ से जो भी सब्सटीट्यूट हुआ है गुजरात जायंट्स की ओर से, उन्होंने अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं लिया है। तो एक बार फिर मैच फिर से शुरू होता हुआ, 4 पॉइंट आगे है गुजरात। तो अगर आप देखें इस प्री के एल 9 में नंबर सेकंड पर है राकेश, 81 पॉइंट है नवीन के रेड पॉइंट और 75 है राकेश के, उसके बाद है अर्जुन देशवाल। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है राकेश की, 15 पॉइंट आज लिए है अपनी टीम के लिए, जो कि बहुत ही शानदार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखना होगा कोचिस की आवाज सुनते हैं, कोचिस क्या कह रहे हैं। तो बोनस नहीं देना है, मनप्रीत सिंह कह रहे हैं कि आपको बोनस नहीं देना है, क्योंकि अब वो सिर्फ बोनस की ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑल 4 पॉइंट आ गए हैं वो, तो वो रिस्क नहीं लेंगे, तो बोनस की ट्राई करेंगे, तो आपको बोनस नहीं देना है। ये है कोच मनप्रीत सिंह की राय। तो अब एक बार फिर राकेश आए हैं रेड करने के लिए, यहाँ राजदीप ने आमिर हुसैन का शिकार किया है, और 1 पॉइंट और गुजरात जायंट्स को, 37-32 का स्कोर। नीतू शर्मा अब रेड करते हुए, क्या राकेश बाहर हुए हैं। जी हाँ, मीतू महेंद्र की रेड और टच पॉइंट लिया है, वो भी किसका, राकेश का शिकार किया है। एक बार फिर से सोनू रेड करते हुए, 33-37 का स्कोर, 33-37। अभी पूरी टीम वॉक लाइन के पास खड़ी है हरियाणा सीडर्स की, और सोनू का शिकार किया है यहाँ पर नितिन रावल ने, सोनू आउट और 33-37, जबरदस्त, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। थर्टी सेवन, मात्र 3 अंकों की बढ़त है अब। मीतू शर्मा एक बार फिर रेड करते हुए, यहां पर फायदा उठा पाते हैं या नहीं, क्योंकि मीत राकेश बाहर हो गए हैं, और बाहर निकल गए थे मीतू शर्मा, बैलेंस नहीं कर पाए, और उसका रिफ्लेक्शन ये कि 1 पॉइंट मिलता हुआ गुजरात जायंट को। 38-34 राकेश आए हैं वापस अब। तो मीतू अगर बाहर नहीं जाते तो शायद ये पॉइंट और 1 पॉइंट मिल सकता था, और अब राकेश बोनस लेने की कगार पर है। यहां बोनस, क्या बोनस लिया है या नहीं, 2 मिनट 39 सेकेंड का वक्त, और जबरदस्त शंकर गदई की ओर से ये, यहां पर टाइम आउट लिया है गुजरात जायंट्स ने, 39-34 गुजरात ने टाइम आउट लिया है, एम्पायर आपस में बात करते हुए। टाइम आउट लिया है गुजरात जायंट ने, 40-34। अभी राम मेहर सिंह कुछ कह रहे हैं अपनी टीम को, ढाई मिनट रहे,
बोनस नहीं देना है, राम मेहर सिंह भी यही कह रहे हैं। तो सिंह एक भी पॉइंट नहीं देना है, ये है राम मेहर सिंह की राय। ये क्या है, ये यहां पर चैलेंज किया गया है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने यहां पर चैलेंज किया है, तो हरियाणा स्टीलर्स ने बोनस पॉइंट के लिए रिव्यू लिया, क्या बोनस पॉइंट मिलेगा या नहीं? एक एक पॉइंट बहुत कीमती, बोनस नहीं है, ये भी रिव्यू वेस्ट होता हुआ। पिछला पैर हवा में था, जब अगला पैर टच हुआ, इसका रिवर्स होना चाहिए, अगला पैर हवा में होना चाहिए और पिछला पैर लाइन को क्रॉस करना चाहिए, तो यहाँ पर बोनस नहीं मिलेगा। तो स्कोर अभी भी 34-46 अंकों की बढ़त के साथ गुजरात जायंट्स आगे। तो आप राकेश को देखिए, 17 पॉइंट इनके हो चुके हैं। सौरभ गुलिया ने शानदार परफॉर्म किया है, 5 पॉइंट लिए हैं इन्होंने। 34-40 का स्कोर, यहां से 2 मिनट 35 सेकंड बचे हैं, अभी 2 मिनट 10 सेकंड बचे हैं, तो यहां से 2 मिनटों में अगर 6-7 पॉइंट लेने हैं तो काफी मुश्किल लग रहा है यहां। तो अभी भी लंबा वेट करवा रहे हैं टीवी अंपायर। तो बोनस तो नहीं है यहां से, ये तो दिख रहा है बोनस नहीं है, लेकिन टीवी एम्पायर सभी चीज को चेक करेंगे, देखना होगा क्या फैसला आता है एम्पायर का। रिव्यू अनसक्सेसफुल, तो बोनस नहीं मिलेगा यहां। तो 34-40 और राकेश एक बार फिर रेड करने के लिए आते हुए। आप कहाँ से है भाई? मैं हिमाचल, आई एम फ्रॉम हिमाचल। और राकेश टाइम कंज्यूम करते हुए 1 मिनट 53 सेकेंड बचे हैं, 1 मिनट 53 सेकेंड्स आर देयर नाउ, 1:48 सेकेंड, सो 40:34। तो राकेश जाएंगे वापस और रेड करने के लिए आए हैं के प्रपंजन और शंकर गदई। अननेसेसरी प्रयास और पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा स्टीलर्स को, 35-40 का स्कोर, प्रपंजन पॉइंट लेकर आए और अब राकेश, देखना होगा राकेश क्या कमाल करते हैं अब, बहुत ही शानदार। अगर आज गुजरात जायंट के मैच जीत जाती है तो पांचवे चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी, पुनेरी पल्टन से ऊपर। 17 पॉइंट है राकेश के और टाइम कंज्यूम करेंगे, जी हाँ आराम से सेंट्रल लाइन के पास खड़े हैं और अभी भी 1 मिनट 5 सेकंड का समय है और मीतू शर्मा आए हैं रेड करने के लिए। तो क्या मीतू शर्मा यहां पर एक पॉइंट मिलता हो, क्या ये 2 पॉइंट है या 1 पॉइंट है, देखना होगा। थर्टी सिक्स फोर्टी लेकिन इनके रिव्यू, बोनस पॉइंट मिलना चाहिए। गॉड डू एंड आई रेड में है राकेश, बोनस जरूर मिलेगा। 47 सेकेंड है अभी भी यहां पर, लेकिन देखना होगा कि क्या ये यहां पर राकेश को अगर आउट भी कर जाते हैं, 1 पॉइंट दे भी देते हैं। जी नहीं, नितिन रावल ने गलती की, डैश करना चाहते थे राकेश को और पॉइंट मिलता हुआ एक बार फिर गुजरात जायंट्स को, 41। और ये होनी है अंतिम रेड, मीतू शर्मा है रेड करने के लिए। तो क्या यहां पर पॉइंट ले पाएंगे या नहीं?
बोनस जरूर है जी। नहीं, और सुपर टैकल किया यहाँ पर अकरम शेख ने, बहुत ही शानदार टैकल। एक और पॉइंट मिलता हुआ गुजरात, दो पॉइंट मिले हरियाणा स्टीलर्स को और एक पॉइंट गुजरात जायंट्स। 38-42 यहाँ पर छोटी सी गलती की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और HS राकेश रेड करने के लिए और अंतिम 2 सेकेंड, और इसी के साथ ये मैच हो चुका है समाप्त। 4 अंकों की लीड के साथ गुजरात ने ये मुकाबला जीत लिया है और ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है क्योंकि रेड अभी खत्म नहीं हुई है राकेश की। तो राकेश गए वापस और गुजरात जायंट्स ये मुकाबला जीत चुकी है 4 पॉइंट से 38-40 का स्कोर। बहुत ही शानदार। तो मजा आ गया यहां पर। राम मेहर सिंह कह रहे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो 38-42 4 अंकों से ये मैच अपने नाम कर दिया है गुजरात जायंट्स ने। और एक बार आपको बता देते हैं जो कल के मैचेस होने हैं। अब तो कल 2 मैचेस होने हैं जो कि बहुत ही शानदार मैचेस होने हैं कल। ये आप देखिए 2 मैचेस हैं कल, बेंगलुरु बुल्स और पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स जिसने कल दिल्ली को हराया था, और दूसरी है बेंगलुरु बुल्स जो काफ़ी अच्छा खेल रही है। और दूसरा जो मुकाबला होना है वो होना है बहुत ही शानदार, पवन सहरावत की वापसी होगी कल या नहीं, और यूपी योद्धा प्रदीप नरवाल एक्शन में देखेंगे, साथ में तमिल थलाइवा। और बेंगलुरु बुल्स पटना पायरेट्स का पहला मैच होगा 7:30 को, 8:30 होगा यूपी योद्धा और तमिल थलाइवा। तो अगर पवन सहरावत की वापसी होगी यहाँ पर तो किस तरह से खेलते हैं वो ये देखना होगा। ये देखिए आप, पहला ही मैच है इनका बेंगलुरु बुल्स और पटना पायरेट्स। तो एक बार नजर डालते हैं अंक तालिका पर कितने। तो ये आप देखिए अंक तालिका यहां पर जयपुर पिंक पैंथर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते और 1 हारा है। 26 पॉइंट से इनके दूसरे नंबर पर आज दिल्ली खिसकी है। इसमें इनका भी रिजल्ट सेम है, 6 मैचेस इन्होंने खेले हैं जिसमें से 5 जीते हैं और 1 हारा है। तो स्कोर है इनका 26 पॉइंट। और बेंगलुरु बुल्स तीसरे नंबर पर है, 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं और 21 पॉइंट है इनके। पुनेरी पल्टन यहाँ पर आ जाएगी अब गुजरात जायंट्स। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ही अपडेट होता है क्या गुजरात जायंट्स ऊपर आती है या नहीं, देखना होगा। गुजरात जायंट्स 7वें नंबर पर है अभी 14 पॉइंट के साथ, 14 और 5 19 पॉइंट के साथ। जी हाँ, यहाँ पर आनी चाहिए नंबर 4 पर, उसके बाद 5 पर पुनेरी पल्टन, 6 पर बंगाल वॉरियर्स। तो कल आपसे फिर होगी मुलाकात, जुड़िए हमारे साथ कल 7:30 ऑनवर्ड्स। तो तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू टुमारो।